नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र चोपड़ा। जनता दरबार में आपका स्वागत है। राम प्रसाद मीणा ने मरने से पहले बनाया वीडियो। वीडियो में बताया उसकी जमीन के सभी डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी उसे मकान नहीं बनाने दिया जा रहा। चांदी की टकसाल काले हनुमान मंदिर के पास से 200 मीटर दूर ही उसकी जमीन है, जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। राम प्रसाद मीणा ने वीडियो में बताया 339 गिरधारी जी का मंदिर के देवेंद्र शर्मा, ललित शर्मा, होटल रॉय शेरटन के मालिक मुंजी टाक, देवास अवस्थी लालचल देवनानी और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने परेशान कर रखा है। इसके चलते मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। इन लोगों की वजह से मेरी माँ गुलाबी देवी और पत्नी सुमन मीणा बीमार रहती है। सांसद करोड़ी लाल मीणा से निवेदन करता हूं कि मेरे परिवार को इंसाफ दिलाएं। ऑफिस में ही राम प्रसाद ने फंदा लगा लिया। सुबह 6 बजे उधर से निकल रहे एक ऑटो ड्राइवर ने शव लटका हुआ देखा। ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को सूचित किया। मृतक के बेटे अंकित मीणा ने बताया पापा जानते थे कि उनकी मौत के बाद पुलिस पूरे मामले को दबा देगी, इसलिए उन्होंने मरने से पहले वीडियो बनाकर दोनों बहनों और मुझे भेजा। पुलिस जब तक मोबाइल को अनलॉक करती और देखती तब तक बात सभी तक वीडियो पहुंच चुका था। अंकित मीणा ने बताया कि पापा खुद ही जमीन पर मकान बनाना चाहते थे। महेश जोशी सहित कई लोग उन्हें मकान बनाने के लिए बार बार रोकते थे। पुलिस बोली शव मिलने का कर रहे इंतजार। सुभाष चौक थाना सीआई रामपुर ने बताया इन लोगों के कोई मांग नहीं है। ये चाहते हैं कि सरकार से कोई मदद हो जाए, जांच के सामने आएगी किसने उनको परेशान किया है, क्यों फंदा लगाया है, परेशान का विषय क्या है पता चलेगा। जांच का विषय है वीडियो की जांच होगी पहले।